भाजपा ने 19 नए जिलों की घोषणा को जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया है। प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि 19 जिलों की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन इसे धरातल पर उतारने में काफी परेशानियां हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने घोषणा के साथ जिलों का सीमांकन, प्रशासनिक व्यवस्था जैसी कोई व्यवस्था नहीं बताई है, इससे आम आदमी को बहुत परेशानी होगी। कल राजस्थान की विधानसभा के अंदर वित्त विधेयक की रिप्लाई करते हुए मुख्यमंत्री जी ने अपनी जादुई कला चुनावों को ध्यान में रखते हुए दिखाने की कोशिश की। इतिहास के पन्नों के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर अनेकों बार देश की आज़ादी के बाद जिलों का गठन हुआ होगा, लेकिन राजस्थान में पहली बार एक ग्राम पंचायत जिला बन रही है, एक उप तहसील जिला बन रही है, और राजस्थान के अंदर ऐसे ऐसे जिले बने हैं कि आज राजस्थान की राजधानी कौन सी रहेगी, जयपुर जिला उत्तर रहेगा, दक्षिण रहेगा, ये भी लोगों को पता नहीं। कुल मिला के राजस्थान के अंदर चुनावों को ध्यान में रखते हुए इन जिलों की घोषणा की गई है। कहाँ से बजट आएगा, कहाँ से जमीन मिलेगी, कैसे इनका निर्माण होगा, कैसे वहाँ का स्टाफ मैनेज होगा, कहाँ से इतने प्रशासनिक अधिकारी आप लेके आओगे, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना जरूर है कि ये चुनावी रेवड़ी धरातल के ऊपर आने वाली नहीं है। फिर भी मुख्यमंत्री अपनी जादुई कला बताते हैं, तो हो सकता है कि जादुई कला कुछ दिनों के लिए लोगों को सुकून दे, लेकिन कुछ दिनों बाद लोग खुद भी मानने लग जाएंगे कि ये चीजें ऐसी है जो और घोषणाएं 4 साल के अंदर हुई है वो धरातल के ऊपर नहीं है, वैसी ये घोषणाएं भी धरातल के ऊपर नहीं आएगी।